गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग शालूज व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। गाइज मैं नहा ली तो आपका स्वागत करती हूँ मैं आज के व्लॉग में। मेरे लिप्स फट गए। सो आज की मॉर्निंग कुछ इस तरह से कि मैं जाने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि मैं घर वालों को थोड़ी सी ट्रीट दे दूँ जाने के उपलक्ष्य में, तो मैंने मंगाया है पिज्ज़ा एंड बर्गर। अभी पिज्ज़ा तो आ गया है तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ, टी शर्ट कैसी लग रही है, जल्दी बताइएगा। गाइस मैंने बनाया मंगाया पिज्ज़ा बर्गर आने वाला है जाने के उपलक्ष्य में। तेज देख कैसे स्पीड से खोल रही है खाने के लिए। आप भी आ जाओ गाइस, खा लो। मैंने डोर नोट से मंगाया है, यहाँ से पिज्ज़ा अच्छा होता है। पिज्ज़ा मुझे डोमिनोज से अच्छा लगा, यहाँ की सर्विस और सस्ता भी है। आ जाओ आप भी खा लो, मम बैठ जाओ, मम्मी तो रोटी खा ली फिर भी खा लेगी। सो गाइस बर्गर भी आ गया है, चेक कर रही अनबॉक्सिंग, अभी दिखाती हूँ। इतने सारे कैसे हैं? तीन है ना। ये क्या है? ये फ्रेंच फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर। मम बैठ जाओ, टूट पड़ो। आ जाओ गाइस आप भी खा लो, ये ट्रीट है मेरे जाने की उसमें खुशी में, हम भी खा लें। खा के बताती हूँ कैसा था टेस्ट। गाइज मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ जाती रहता है यार, हो के कहाँ जा रही हो मम्मी? गाइज मेरी मम्मी जा रही है कीर्तन में, कीर्तन कराने जा रही है। मेरी कीर्तन कराने जा रही है, अटेंड करने जा रही है। सॉरी मम्मी, नेल पेंट लगा कर हाथ छू ना रही है सूट पे। गाइज मेरी मम्मी बताओ कैसी लग रही है। मेरी मम्मी तो है ही स्मार्ट, जो बात है पतली होगी लेकिन अब फिगर बना रही है, फिगर बना रही है मेरी मम्मी। है मम्मी यू क्या करा मम्मी तेने, दो नंबर कह रही मम्मी बेकार चप्पल पहन जा कीर्तन में, चोरी हो जा। चेती कितनी बार चोरी होगी चप्पल मेरी? मैं बोल रहा दुनिया मेरी 100 रुपए की चोरी होगा तो 500 की चोरी करके लाऊ मैं। ये किसी और के पैर का आ जा। तो गाइस ऐसी माहौल चल रहा है ना, मेरे से कुछ हो गया है, फट गया है। एबिडास की, एबिडास की, ये अभी पास के जूते पहन रहा है भाई। मम्मी जाओ ना, तो इतने मम्मी को शौक हो रहा है व्लॉग आने का मेरे। अरे ये सेलिब्रिटी का व्लॉग है, इधर मत आओ। चूड़ी सही लग रही है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ मतलब घर से मुझे एक हफ्ते के लिए, तो मम्मी मैं जा रही हूँ चांदी के। मम्मी यार मैं नहीं पहनती ये सब, पता नहीं क्या क्या पहना रही है। जैसे चल भाई अब तुम्हें कैसे लगेगा, अपनी फीलिंग तो जाहिर करो, तो कुछ अच्छे वाली एक्साइटेड सी। एक्साइटेड क्या है इसमें, अब दिन कैसे आएंगे चाचा, स्लो मोशन वाले? मैं एक हफ्ते में फिर आ जाऊंगी, अगले सैटरडे संडे। बस मेरी बहन मुझे याद करती है इस घर में, और तो लोग अपने व्यस्त हैं जिंदगी में, तो मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, ठीक है मम्मी। मम्मी सो गाइस मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ मेरा क्या हाल हो रहा है पीजी का। सो गाइस मैं जा रही हूँ, टाटा करो मुझे सारे। गाइज आई एम कमिंग इन पीजी। सब जब लोग मिलेंगे वो पीजी के मिलेंगे आपको। आ तो मैं बहुत देर पहले गई थी लेकिन नीचे जूस पीने गई थी, तो अब आपको मिलेंगे पीजी के सारे व्लॉग। थोड़ी पतली हो जाती हूँ यार, बहुत मोटी हो रही हूँ। आपको दिखाती हूँ पीजी में क्या बना होगा आज। एज यूजुअल बिरयानी और रायता, खत्म हो गए। ये है मेरा पीजी। गाइस चलते हैं अपने रूम में। तो ये है मेरा रूम। गाइस मैं आ गई, कितनी सफोकेशन हो रही है, बट आई एम जस्ट कमिंग। एक लड़की है ये, इतनी सफाई जो कर रही है रूम देखो। सो गाइज मैं आ गई रूम में और मैं कर रही हूँ आराम, रिलैक्स, नो वरी नो वरी। मैं और अपने दिल की बातें बताऊंगी। अभी इस कमरे में कोई है जो मेरी बातें सुन रही है? देखो यहाँ पे 3 ब्यूटीज तैयार हुई है, इसे अवॉइड करना ही मना कर रही है। ये मैंने किया है, अंडे दिखाओ। ये मैंने किया है मेकअप, इसका भी मैंने किया है। गाइस मेरे तो थका दियो इन लोगों ने,
इसकी लिपस्टिक लगा लग के मैं थक गई, मतलब लेट गई दोबारा। रूम की हालत देखो कितनी सुंदर हो रही है, ये शादी में जा रहे हैं, मेरी रूम में डे है। सो गाइस अब मैं आ गई मार्केट से सामान लेके। मैं क्या लेके आई हूँ, मैं स्टोर गई थी तो मैं लेके आई हूँ एक सिटाफिल का ये क्लिंजर फेस क्लीन करने के लिए। एक्चुअली मेरा फेस जो है तो काफ़ी सेंसिटिव है, कुछ दाने हो जाते हैं, इसलिए क्लीन करने के लिए। और क्या करूँगी आज मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो रखा है मेरा पूरा रूम, लेट्स सी आप देख सकते हो। तो आज मैं इसका लुक भी चेंज करने वाली हूँ और आप सबको दिखाऊंगी। और गाइस इफ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय ब्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, देखो कितने सारे भरे पड़े हैं। तो पीजी में देखो कितने सारे कपड़े, तो सारे मुझे वॉश करने हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रूम साफ कर दूं। तो गाइस आप लोगों से मिलती हूं बाद में। रूम में बहुत ही मेहनत की है इसे रूम को साफ करने के लिए। रूम की हालत देखो बहुत ही ज्यादा खस्ता हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज कर दूं। तो सब गाइस कैसा लगा आपको बिफोर एंड आफ्टर रूम की हालत, बताइएगा कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन। ये वाला मेरा एरिया है तो मैंने कुछ इस तरह से अपनी अलमीरा लगाई है। मेरा बेड है एंड ये मेरा मतलब स्टडी जो भी आप कह सकते हैं, मतलब बैग वगैरह रखती हूँ अपना, बुक्स वगैरह स्पैक्स जो भी मेरी नीड की चीज़ें होती है वो सब। और ये मेरा बेड और ये मेरा छोटू सा, इसमें मैं देख लेती हूँ जब ऑफिस जाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइस अब कैसा लग रहा है मेरा रूम बताओ, सब कितना प्यारा लग रहा है ना। अब आप यहाँ से देखेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आफ्टर सो मच स्ट्रगल मैंने पूरा रूम क्लीन कर लिया है गाइस, पूरे एक घंटा लगा मुझे रूम साफ करने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर दोनों डालूंगी कितना क्लीन किया मैंने। जहाँ पे हम रहते हैं ना वो चीज़ साफ करके रहनी चाहिए, तो मैंने पूरा क्लीन किया। अब मेरा रूम महक रहा है, कुछ कल करूँगी मतलब काम वाली आंटी से करा दूँगी थोड़ा बहुत। तो थक गई इतना सही करके, घर तो मेरा इतना बड़ा है मैंने थकता वो आ नहीं रही ना, तो मैं थक गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा रूम। मैं आपको बताती हूँ पीजी में आज क्या बना है। पीजी में बना ये मटर पनीर है, आई थिंक मुझे सबकी रेसिपी पता है कि क्या बनता है कुछ दिन पे। तो ये मटर पनीर बना है कुछ इस तरह का, और एक ये बने चावल, और ये है रोटी पीजी की, और वहाँ पे धुल रहे मेरे कपड़े। ये एरिया तो गंदा है इसे नहीं दिखाती। सो किसी इस प्रकार से हो रही है मेरी गुड नाइट गाइज। सो गाइज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। आज का ब्लॉग इतना ही था, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा फेस वॉश करके क्लीन करके सोने का मन है। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक था, और कल मैं कुछ अच्छा डालूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय ब्लॉग। बाय बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।